जबान में, क्योंकि हम लोग सराइकी हैं ना, तो बोलते उर्दू हैं, सराइकी जबान में से परछा कहते हैं, इसे छबियाँ कहते हैं और इसे कहते हैं मंधड़ा। ये हमारा मंधड़ा है जिसे हम दाल को मंधते हैं, साग को मंधते हैं। सारा कब्रिस्तान है, ये देखिए सारा कब्रिस्तान है, और ये ऊपर जामुन का दरख्त है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे अपने घरों में, बीवी बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, अपने प्यारे रिश्तों के साथ, और जो देश परदेश से हमारे बहन भाई हमारी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह ताला उन पर ख़ास करम करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं यहाँ पर आई हुई हूँ ना, तो ये सब चीज़ें हमें मिली हैं गिफ्ट, और भी कुछ चीज़ें आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये दो पंखे, ये पंखे हैं, और ये दाल घोटना है, इसे दाल यानी कि घोटते हैं, साग को यानी कि घोटते हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और ये देखचा कढ़ाई है छोटी सी खूबसूरत सी, ये देखें, ये सब हमें आज गिफ्ट मिला है, मुझे मोहम्मद को गिफ्ट मिला है, और आपको दिखाती चलूँ। प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा यहाँ सारा देहाती माहौल है, बहुत मज़ा आता है यहाँ आकर। हम ना पिछले दिनों भी आए थे तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, तो इस बार फिर हमारा ना आना थोड़ा सा ना बन गया, यानी कि हमें आना पड़ गया, कोई मसला था इसलिए। तो पिछली दफ़ा तो हम यूँ समझे कि घूमने फिरने आ गए थे, और हम रात को यानी कि यहाँ पर सोते हैं चारपाइयाँ लगा कर ना, ये इनका डेरा टाइप बना हुआ है, यहाँ पर पंखा चला लेते हैं और यहाँ पर हम सब सो जाते हैं रात को। कुछ लोग वहाँ पर दूसरे शहर में चारपाइयाँ लगा कर सो जाते हैं, वो बहुत बड़ा घर है, ये तो छोटा सा बनाया हुआ है ना डेरा टाइप, यहाँ पर उनके मेहमान वगैरह आते रहते हैं। मैं आपको दिखाती थी वो घर, घर बहुत प्यारा है माशाल्लाह। मैं आपको दिखाती हूँ कमरा इनका, ये देखें जी, अंधेरा लग रहा होगा आपको और मेरी आवाज़ भी गूंज रही होगी। साथ अटैच वाशरूम है, ये कमरा है, बड़ा सारा कमरा है माशाल्लाह, उधर अटैच वाशरूम है ना, ये पंखा रात को चला लेते हैं, और दूसरा ये पर्दे हटा कर ना, ये देखें ये कमरा है, यहाँ बेड लगा हुआ है, मैंने लाइट भी चला ली है मोबाइल की, क्योंकि अंधेरा था, आप लोगों को शायद नज़र नहीं आ रहा होगा ना। ये दो बेड लगे हुए हैं, टेबल है, यहाँ पर सोफे लगे हुए हैं, सोफे में आप लोगों को दिखा देती हूँ, और दूसरा ये देखिए जी पर्दे लगे हुए, पर्दे बहुत खूबसूरत गोल्डन कलर के पर्दे लगाए हैं हमारी सास ने, बड़ी सास ने। तो ये देखिए जी, ये खुला सारा बरामदा है, यहाँ पर ना सोफे भी लगाए जा सकते हैं, चारपाइयाँ रखी जा सकती है, फ्रिज वगैरह जैसे कि ना काफ़ी सामान यहाँ पर रखा जा सकता है ना। अल्लाह ताला सबको, जो जिन जिन के घर नहीं है, अल्लाह पाक सबको ऐसे घर नसीब करे, रहना नसीब करे, सबके मुकद्दर में अल्लाह लिख दे ऐसी प्यारी प्यारी खुशियाँ। मुझे भी गिफ्ट मिला है, ये देखें कितना खूबसूरत है, इसके अंदर जो है ना पत्नी क्या डाला हुआ है, शायद काने हैं बारीक बारीक से ना, और ऊन के धागे से उसको सिया हुआ है, और बहुत खूबसूरत करके सिया हुआ है, और इससे हवा भी बहुत अच्छी आती है। उन्होंने कहा आयशा तुम्हारे घर में लाइट नहीं है तो तुम्हें इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये लेके जाओ। ये देखें जी, ये भी दो दिए हैं, जब हम वहाँ पर इंशाल्लाह इनको इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप लोग वो वीडियो भी हमारी देखना जब हम इनको इस्तेमाल करके वीडियो वगैरह बनाया करेंगे, सारा दिन इनका इस्तेमाल किया करेंगे। और आपको ये दिखाती चलो, इसको तो बिछौना भी कहते हैं, चटाई कहते हैं, ये खजूर के पत्तों से बना जाता है ना, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त है, बिछौना भी कहते हैं ना इसको, और मैं आपको दिखाऊँगी। ये अलग अलग लोगों ने हमें दिए हैं, एक ये देखें कितनी खूबसूरत है, चमकदार सितारे लगे हुए हैं, ये है सादी, फिर भी इतनी सादी नहीं है, इसमें भी कलर हैं, कलरफुल चंगेर बनाई गई है ये भी, और ये सबसे प्यारी लगी है फातिमा को, ये सबसे प्यारी लगी, इसमें शीशा भी लगा हुआ है, देखिए ये बहुत खूबसूरत है, ये भी हम वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, शायद मैं इसको इस्तेमाल ना करूँ, इसको सजावट के लिए कहीं लगा दूँगी, बाकी ये दो जो है ना इसको हम इस्तेमाल कर लेंगे, इसमें भी हांडी वगैरह बनाया करेंगे, जैसे अंडे की भुजिया नाश्ते के लिए, जैसे हम थोड़ा सा सब यानी कि बना लेते हैं, कभी अंडे प्याज बना लेते हैं, आलू प्याज बना लेते हैं, बैंगन का भरता बना लेते हैं, तो इसके अंदर इंशाल्लाह बनाया करेंगे ना, मुझे बहुत प्यारा लगा है। आप लोगों को ये चीज़ें कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। ये देखें हमारा ये प्यारा सा पंखा, ये देखें मुझे बहुत प्यारा लगा है, मोहम्मद भी इसे देख कर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। ये सारा सामान आपके सामने है, ये हम अपने घर लेकर जाएँगे इंशाल्लाह ताला, अब हम घर के लिए भी निकल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अभी ना इसी आधे घंटे में सबको मिल मिला कर ना अब घर के लिए निकला जाए, क्योंकि हम लोग सराइकी हैं ना, तो बोलते उर्दू हैं, सराइकी ज़बान में से परछा कहते हैं, इसे छबियाँ कहते हैं और इसे कहते हैं
मंथना, ये हमारा मंथना है जिसे हम दाल को मंथते हैं, साग को मंथते हैं, तो हमारी सराकी जबान बहुत प्यारी मीठी जबान होती है, लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। बाकी जबानों की नस्बत ना हमारी सराकी जबान बड़ी मीठी होती है। अब जैसे कि ना अब सर्दियां आ रही ना, आप मुझे साग भी बना के खिलाना और दाल। हाँ, मेरी बेटी ना साग की बेहद शौकीन है, इसका बाबा भी ये भी, तो साग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। साग बना हुआ मजेदार सा तड़के वाला और साथ चावलों की रोटी, ओए होए मजा आ जाता है यार। तो आप लोगों को भी सर्दियों में ये चिलड़े और सरसों का साग, चावलों की रोटी को चिलड़े कहते हैं ना, तो ये सरसों का साग और चावलों की रोटी आप लोग भी बहुत शौक से खाते होंगे, क्योंकि ये सर्दियों की एक अनमोल डिश होती है, ज़बरदस्त होती है, लोग इसका बड़ा इंतज़ार करते हैं, हम भी बड़ा इंतज़ार करते हैं इसका ना। तो फातिमा ख़ास तौर पर मम्मी हम मामा आज साग बना देते हैं, साग बना लो। वैसे मेरी सास जब साग बनाती है ना हमारे घर लाजमी भेजती हैं, तो अम्मी भी बनाती हैं, वो भी भेजती हैं, सास भी भेजती हैं और हम खुद भी बनाते हैं माशाल्लाह। ये सर्दियों में बड़ा मज़ा आता है, और वैसे सर्दियों में ना इधर गांव में आने का भी बहुत मज़ा आता है, तो हम इधर गांव में आते हैं लेकिन कम आते हैं, लेकिन मज़ा बहुत आता है। चलें जी, अब आपसे ना दोबारा बाहर चलकर भी मिलते हैं, बाहर का उधर सा व्यू दिखाते हैं। आज की वीडियो में आपके साथ, आप हमारे साथ बने रहें, बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को नए दोस्त ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। तो आप लोगों को ना बाहर का दिखाते हैं व्यू, बाहर कैसा मौसम हो रहा है शाम के वक्त। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, ये पीपल का पेड़ हो रहा है बिल्कुल इसके अंदर ना, खंभे के अंदर। देखिए यार कितना खूबसूरत माहौल है यहाँ का। ये जो हमारा डेरा था इसके अंदर मैंने अभी खड़े होकर वीडियो बनाई ना आपके साथ शेयर की, आपने मेरा सामान देखा जो मुझे गिफ्ट मिला है, तो उसके पीछे मैंने आपको बताया था कब्रिस्तान है, ये देखिए सारा कब्रिस्तान है, और ये ऊपर जामुन का दरख्त है छोटा सा, और आगे चल के और भी छोटा सा इसी तरह का कब्रिस्तान है, और ये जामुन का पेड़ लगा हुआ है, चारों तरफ हरे भरे पेड़ है, सर सब इलाका ही सारा। देखिए हवा चल रही है, चुप हो जोली हैदर, शोर नहीं डालो। तो बहुत खूबसूरत हवा चल रही है, डेरे के पीछे वाला हिस्सा है ना, तो ये सामने माशाल्लाह खूबसूरत सी मस्जिद है, छोटी सी बहुत ही क्यूट सी मस्जिद है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये देखिए आम के पेड़ लगे हुए, जामुन के, अमरूद के, माल्टों के, यहाँ पे सारे किस्म के फल हैं, मिठड़ियाँ, यहाँ पर मिठड़ियाँ लगी हुई हैं, सारा कुछ लगा हुआ है। मिठड़ियाँ तो हमने तोड़ी भी है, मतलब बहुत हाँ, फातिमा लोगों ने ना सारी कजनों ने मिलकर ना बहुत सारी चीज़ें तोड़ी, फ्रूट्स वगैरह तो लाकर घर में इन्होंने खाए। प्यारे बहन भाई, ये आम का पेड़ है इतना खूबसूरत, यहाँ पे इतने मीठे आम लगते हैं, बहुत ज़बरदस्त, यानी कि यहाँ पे आम लगते हैं ना, बहुत तारीफ सुनी गई है यहाँ के आमों की भी। तो और भी बहुत सारे फल हैं यहाँ पर, आप सबकी रिक्वेस्ट पढ़ना, मैंने यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, आप सब ने कहा था इस गांव में दोबारा भी वीडियो बनाना, हमें बहुत पसंद आया है, तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा आपको ये सारा गांव कैसा लगा। हमारा तो बिल्कुल वीरान इलाका है जिसमें मैं रहती हूँ, ना बंदा ना बंदे की ज़ात, सिर्फ मैं बैठी होती हूँ, डर डर के रह रही हूँ अपने इलाके में, तो बहुत वीरान इलाका है मेरा वाला ना। तो आप लोगों ने कहा था हमें इस गाँव की भी वीडियो बना के दिखाना, तो चलें जी दिखा दिए आप लोगों को, अब दोबारा घर की तरफ चलते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते क्योंकि मोहम्मद वहाँ अकेला बैठा है, मेरे लिए रो रहा होगा मोहम्मद, अब घर चलते हैं। दरख्त है ना, ये तितली का दरख्त है, इसको तितली वाला दरख्त कहा जाता है, इसके पत्ते बिल्कुल तितली की तरह ही, इनके पंख हैं खूबसूरत से, और इनके ऊपर शायद फूल भी बहुत खूबसूरत तितली की तरह लगते हैं ना। और फातिमा को देखें, ये मिठड़े तोड़ रही है, माल्टे या बकरी मिठड़े क्या है फातिमा, ये मिठड़े हैं ना फातिमा, दिखाओ। इन पे ना नमक और मिर्ची लगा के खाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखें जी, इस पे नमक और मिर्च लगा के खाओ, हाय हाय मजा आ जाता है, मेरे मुंह में तो पानी आ गया मुझे भी बच्चे खा देना। ओके। तो ये देखो ऊपर कितने सारे लगे हुए अनार हैं, ये सारे ना अनार, अमरूद, सॉरी अमरूद लगे हुए सारे ना, तो जी देखिए कितना खूबसूरत घर है, यानी कि सारा सिस्टम है यहाँ का, और यहाँ पे जितनी भी दीवारें आपको चवेड़ी की मिलेंगी, बहुत पुराना गांव है ये, चारों तरफ चवेड़ी की ही दीवारें मिलती हैं यहाँ पर ना। और ये चावल लगा हुआ है, सारा कायनात चावल है ये, बहुत जबरदस्त।
और नहीं तोड़ो। वो दरख्त नजर आ रहा है प्यारे बहन भाइयों, बूहेड़ का दरख्त है, बहुत बड़ा है, सदियों पुराना है ये दरख्त। तो ना यहाँ पर ये बात मशहूर है कि ना हिंदुओं का जमाना जब होता था, यहाँ पे सारे हिंदू रहते थे, अभी पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ था, उस वक्त भी ये दरख्त ऐसे का ऐसे था और अब भी ऐसे का ऐसे, यानी कि सदियों पुराना ये दरख्त है। इन सब के बुजुर्ग भी बताते आए, जब हम बच्चे होते थे तो तब से हम ये देख रहे हैं, और हमारे वड वडेरे भी यानी कि इस दरख्त का बताते आ रहे हैं। बहुत पुराना दरख्त है ये अमरूद, वो देखो ऊपर लगे हुए हैं वो रे सामने। नीचे से तो आप तोड़ तोड़ के खा लेते हो जी। अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ मेरे प्यारे दोस्तों, ज़रूर चैनल को लाइक शेयर किया करें, हमें सपोर्ट करें, हमें सपोर्ट करने वाले की मदद अल्लाह पाक फरमाएंगे। चैनल को नए दोस्त ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। और कहते हैं इस मौसम में ना अमरूदों में कीड़े भी हो जाते हैं। हाँ जी हो जाते हैं। अमरूद है क्या? हाँ वो फिर वो कीड़े कहते हैं फातिमा आपका नहीं है, ये अमरूद मेरा है, छोड़ दो मैंने खाना है, आपने इंजॉय करनी है। अब तब की मिर्ची खा के जाएंगे।